हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन करियर बोर्डर में आप सबका स्वागत है। तो यार, धमाकेदार वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबके सामने यहाँ पे हाजिर हो गया हूँ। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। काफ़ी अच्छी और बड़ी कंपनी के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, साथ में सर्विस बेस्ड कंपनी के जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, और साथ में रिज्यूमे टिप्स के भी बारे में हम बात करेंगे। कैसे आप प्रिपेयर करके कंपनी को क्रैक कर सकते हो, ग्रैब कर सकते हो, उसके बारे में भी टिप्स आप सबको देने वाला हूँ। अगर आप ऐसे कॉलेज से बिलोंग करते हो जहाँ पे कंपनी बिल्कुल नहीं आती, या Tier 3 कॉलेज के स्टूडेंट हो, अगर ऑफ कैंपस अपने ड्रीम कंपनी को टारगेट कर रहे हो, तो आप सबके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, और साथ में काफ़ी पूरा डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और अभी तक आपने चैनल को विजिट नहीं किया है तो जाके चैनल को विजिट करना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो बना के ऑनलाइन कैरियर पोर्टल पर अपलोड कर रखी है। जितनी भी रिसेंट में वीडियो अपलोड हुई है, अभी भी कंपनियों के लिंक एक्टिवेट है, फटाफट जाके वीडियो को देखना। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, या मैं आई बटन में दे दूंगा, या आप चैनल को विजिट करके भी जाके वीडियो देख सकते हो। तो वीडियो को जरूर जाके देखना, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इस टाइम पे कंपनियों की जो हायरिंग है वो फ्रीज हो गई है। बल्क में कंपनियां नहीं हायरिंग कर रही हैं, बट अभी भी हायरिंग स्टार्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एकदम से ही हायरिंग स्टॉप हो गई है, अभी भी कंपनी हायरिंग कर रही है। बट यहाँ पे जिनके पास स्किल है उनके लिए काफ़ी ये सारी चीज़ें काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो आपको अपनी स्किल को अपग्रेड करना है, हमेशा प्रिपेयर रहना है, रेडी रहना है। जैसे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आती है, आपको उसमें पार्टिसिपेट करके अच्छा परफॉर्म करना है। तो फटाफट चलो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जॉब अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, कई बार इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, बट अभी भी फॉर्म यहाँ पे लिंक फॉर्म का लिंक ओपन है। अभी तक आपने नहीं अप्लाई किया तो फटाफट जाके ज़रूर अप्लाई कर देना। काफ़ी अच्छी और बड़ी कंपनी है, कंपनी का वर्क इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा होने वाला है। अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट की बात करें तो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी पे यहाँ पे प्रोजेक्ट कराए जा रहे हैं, करियर ग्रोथ भी आपका होने वाला है, और आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। लोकेशन की बात करें, न्यू दिल्ली जैसे बिग लोकेशंस के लिए कंपनी हायरिंग कर रही है। फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी होने वाली है, पार्शियली रिमोट भी हो सकती है, पार्शियली यहाँ पे फुल टाइम और पार्शियली रिमोट भी हो सकती है। कौन कौन से बैच के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वी आर लुकिंग फॉर फ्रेशर ग्रेजुएट ऑफ द 2022 बैच फॉर आवर वेब डेवलपमेंट टीम। तो जितने भी स्टूडेंट 2022 बैच के स्टूडेंट हैं उन सब के लिए ये हायरिंग होने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट 2022 बैच के उन सब के लिए काफ़ी बिग अनाउंसमेंट और काफ़ी गुड न्यूज होने वाली है। तो फटाफट जाके अप्लाई कर देना। मोर देन वन रोल के लिए कंपनी हायरिंग कर रही है। जो पहला रोल यहाँ पे डेवलपर के लिए होने वाला है, सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए कंपनी यहाँ पे हायरिंग कर रही है, जिसके लिए CTC कंपनी 8 LPA प्लस 2 10 LPA का होने वाला है। मिनिमम 8 LPA का और मैक्सिमम 10 LPA का होने वाला है। और जो क्वालिटी एनालिस्ट के लिए कंपनी दूसरा रोल होने वाला है जिसके लिए हायरिंग कर रही है, उसमें जो पैकेज होने वाला है CTC होने वाला है 6 LPA to 8 LPA का होने वाला है। तो दोनों रोल के लिए कंपनी काफ़ी बिग हायरिंग कर रही है और काफ़ी बिग CTC प्रोवाइड कर रही है। तो मिस बिल्कुल मत करना जितने भी स्टूडेंट 2022 बैच के स्टूडेंट हैं। और यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल है जिसके लिए कंपनी हायरिंग कर रही है ज्वाइनिंग में, उसमें एज सून एज योर एग्जाम आर ओवर, जैसे आपका एग्जाम ओवर हो जाता है वैसे आपको ज्वाइन करना होगा, इमीडिएट ज्वाइनिंग है यहाँ पे। क्वालिफिकेशंस में एनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड हैव स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल, एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, गुड टू हैव एक्सपीरियंस इन जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी, CSS, HTML और PHP की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो फटाफट जाके अप्लाई कर देना। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ अबाउट द कंपनी और कंपनी के वर्क एनवायरमेंट के बारे में मेंशन की गई हैं, अगर आपको रीड आउट करना हो तो कर सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट जॉब पे। नेक्स्ट जॉब यहाँ पे थिंकसिस कंपनी की तरफ से आ रही, काफ़ी अच्छी और बड़ी कंपनी है, 2022 बैच के लिए ही कंपनी हायरिंग कर रही है। फ्रेशर ऑफ 2022 बैच पास आउट ओनली, गुड कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए। इसमें टोटल दो राउंड होने वाले हैं, फर्स्ट राउंड में आपका असेसमेंट टेस्ट होगा, सेकेंड राउंड में फाइनल राउंड हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा चांस है आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का। गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, एकेडमिक की बात करें 70% थ्रू आउट 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग BTEC BE और MCA 2022 बैच के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी होने वाली है। लोकेशन की बात करें तो नोएडा जैसी बिग लोकेशंस के लिए कंपनी की हायरिंग हो रही है। यहाँ पे नंबर ऑफ ओपनिंग की बात करें 15 ओपनिंग यहाँ पे होने वाली है। तो ये वीडियो अगर जितने भी स्टूडेंट 2021 बैच के देख रहे हैं, 20 बैच के देख रहे हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट 2022 बैच के स्टूडेंट हैं, और फटाफट जाके अप्लाई कर देना। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा जिसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो काफ़ी बेसिक सा होने वाला है। बस आपकी कैपेबिलिटी यहाँ पे चेक की जाएगी। और सेकंड राउंड फाइनल राउंड टेक्निकल इंटरव्यू होने वाला है। और परसेंटेज एकेडमिक परसेंटेज के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया, 70% 10th 12th और ग्रेजुएशन में होना चाहिए। तो फटाफट जाके अप्लाई कर देना। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट जॉब पे। नेक्स्ट जॉब यहाँ पे बायजूस कंपनी की तरफ से आ रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने करियर को सेल्स में, इंटरेस्टेड हो सेल्स में बनाना चाहते हो, तो आप सबके लिए काफ़ी अच्छा है ऑप्शन बायजूस रहने वाला है। यहाँ पे 0 to 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप सब अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे 271 ओपनिंग अभी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो सेल्स में, तो आप सबके लिए काफ़ी बड़ा ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है। तो फटाफट जाके अप्लाई कर देना, और आपको काफ़ी अच्छा पैकेज वैज्यूज जैसे बड़ी कंपनी की तरफ से हर BDA रोल के लिए मिलने वाला है। तो फटाफट जाके अप्लाई कर देना। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट जॉब पे। नेक्स्ट जॉब यहाँ पे विप्रो कंपनी की तरफ से आ रही है। डेवलपर एनालिस्ट जैसे बिग रोल के लिए कंपनी हायरिंग कर रही है। लोकेशन की बात करें, चेन्नई इंडिया लोकेशंस के लिए हायरिंग हो रही है। तो काफ़ी अच्छी और बिग अपॉर्चुनिटी होने वाली है। कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं होने वाला है। जितने भी ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, बैचेस को लेके कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, ना ही परसेंटेज को लेके है। अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट, अगर आप फ्रेशर हो, तब भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 2020 21 22 बैच के स्टूडेंट हो, तो आप सब यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हो। फटाफट जाके अप्लाई कर देना। अगर आपकी ये फर्स्ट जॉब होने वाली है, तो लोकेशन को लेके बिल्कुल भी आपको यहाँ पे वो नहीं करना है, क्योंकि आफ्टर सम टाइम आप कंपनी में खुद को रिलोकेट भी कर सकते हो जहाँ पे कंपनी है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट जॉब पे। नेक्स्ट जॉब यहाँ पे काफ़ी अच्छी और बड़ी कंपनी सोलेरा कंपनी के बारे में लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किए थे, लिंक आपको भी वहीं देखने को मिल जाएगा। उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देखना, उसमें भी बहुत सारी कंपनियों के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किया हूँ। और काफ़ी अच्छी कंपनी, बिग कंपनी, अभी बिल्डिंग का एक्टिवेट है। फटाफट जाके अप्लाई कर देना। तो मूव करते हैं नेक्स्ट जॉब पे। नेक्स्ट जॉब यहाँ नोकिया जैसी बड़ी कंपनी की तरफ से आ रही है। नोकिया 2021 और 22 बैच के लिए काफ़ी बिग हायरिंग करने वाली है। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग रोल के लिए बेंगलुरु जैसे बिग लोकेशंस के लिए कंपनी हायरिंग कर रही है। अगर आप 2022 बैच के स्टूडेंट हो, अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हो, या 2021 बैच के स्टूडेंट हो, तो आप सबके लिए काफ़ी बिग हायरिंग होने वाली है। फटाफट जाके अप्लाई कर देना। कोई भी परसेंटेज को लेकर कोई भी क्राइटेरिया नहीं रहने वाला। और यहाँ पे जो नेक्स्ट जॉब होने वाली है, एटलास कोपो कंपनी की तरफ से आ रही है। एटलास कंपनी की तरफ से आ रही ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन के लिए कंपनी हायरिंग कर रही है। कंट्री की बात करें तो इंडिया होने वाले, फंक्शनल एरिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होने वाला है। सिटी की बात करें तो पुणे जैसे बिग लोकेशंस के लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी होने वाली है। डेट ऑफ पोस्ट की बात करें, 30 अगस्त को पोस्ट की है। लास्ट डेट टू अप्लाई की बात करें तो 13 सितंबर इसकी लास्ट डेट होने वाली है। तो उसके पहले आपको अप्लाई कर देना है अगर आप इंटरेस्टेड हो। काफ़ी अच्छी और बड़ी कंपनी है, और ये बहुत सारी चीज़ें अबाउट द कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाली है और आप किस चीज़ पे वर्क करने वाले हो। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये एटलस जैसी बड़ी कंपनी की तरफ से बिग हायरिंग होने वाली है। कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप 2022 और 21 बैच के स्टूडेंट हो, तो अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हो, तो आप सब अप्लाई कर सकते हो। एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, एक्सीलेंट वर्बल एंड रिटेन कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। फटाफट जाके अप्लाई कर देना, काफ़ी अच्छी और बिग हायरिंग होने वाली है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट जॉब पर। नेक्स्ट जॉब यहाँ टाटा एलेक्सी कंपनी की तरफ से आ रही है। टाटा एलेक्सी कंपनी 2021 और 22 बैच के लिए ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। काफ़ी टाइम से स्टार्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी इसमें अप्लाई कर चुके हैं। बट अभी भी आपने अप्लाई नहीं किया है, आप सारी क्राइटेरियो को यहाँ फुलफिल करते हो, आप 2021 और 22 बैच के स्टूडेंट हो, आपकी परसेंटेज 10th में 12th में ग्रेजुएशन में 60% या उससे अबव है, और आप BBTech या MTech MSCA और MSc बैच के स्टूडेंट हो, तो आप सब यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हो। फटाफट जाके अप्लाई कर देना। काफ़ी बेसिक सा फॉर्म ये होने वाला है, फटाफट आपको फॉर्म फिलअप करके यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट जॉब पे। नेक्स्ट जॉब हनीवेल कंपनी की तरफ से आ रही। एम्बेडेड इंजीनियरिंग रोल के लिए कंपनी हायरिंग कर रही है। हैदराबाद जैसे बिग लोकेशंस के लिए ये हायरिंग होने वाली है। अगर आप एम्बेडेड इंजीनियरिंग रोल में इंटरेस्टेड हो, तो आप सब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सबके पास 0 to 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आप फ्रेशर हो, आपके पास 1 ईयर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप सब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बी बी टेक एम टेक वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
जाके अप्लाई कर देना। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट जॉब पे। नेक्स्ट जॉब यहाँ पे पीएमजी कंपनी की तरफ से आ रही है, समर इंटर्नशिप हायरिंग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रोल के लिए एक इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे हायरिंग हो रही है। जो समर इंटर्नशिप हायरिंग होने वाली है जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होने वाली है, तो जितने भी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं या अभी कॉलेज में परसुइंग कर रहे हैं, वो सब यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं, अप्लाई कर सकते हैं और उनको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है काफ़ी अच्छी और बड़ी कंपनी की तरफ से। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट जॉब पे। नेक्स्ट जॉब यहाँ विप्रो कंपनी की तरफ से आ रही है। विप्रो कंपनी वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम के लिए हायरिंग कर रही है। इसके बारे में ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूँ बट अभी भी लिंक एक्टिवेट है। जितने भी स्टूडेंट 2021 और 22 बैच के स्टूडेंट हैं और जो BCA और BSc बैच के स्टूडेंट हैं, उन सब के लिए ये काफ़ी बिग हायरिंग है विप्रो जैसी बड़ी कंपनी की तरफ से। तो काफ़ी अच्छा चांस है, मिस बिल्कुल मत करना। अगर आप BCA BSc बैच के स्टूडेंट हो तो आप सबके लिए काफ़ी बिग चांस होने वाला है। तो जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही थी मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अभी तक अपने चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल को जाके विजिट करके और भी रिसेंट भी की सारी वीडियो जाके देखना और अप्लाई करना। अगर कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइज।